हेलो जी, क्या हेलो। बना रही हो आज? आज बन रहा है घर में राजमा चावल, जो कि आपके सामने है। मैं भी बॉईल करने रख रही हूँ और आज बहुत ज़्यादा लजीज वाले बना रहे हैं। मन भी बहुत कर रहा है आज राजमा चावल खाने का, तो बस अभी चढ़ाने लगी हूँ। फटाफट बॉईल करेंगे इसमें पानी हमने, और अभी फिलहाल नमक गैस के ऊपर और गैस चला दिया है। अब हम रख देते हैं इसको बॉईल करने, और उसके बाद हम धीरे धीरे प्याज लहसुन अदरक सब चीज़ काटना शुरू करेंगे और फिर बनाना भी शुरू कर देंगे। तो अभी मैंने कर दिया है बंद, और हम काट रहे हैं टमाटर जो कि हमें तड़के के लिए चाहिए, और सब्जी को हम करने वाले हैं फ्राई। और राजमा हमारा उबलने वाला है, अभी हम 2 मिनट के बाद उसे खोल के देख लेंगे। सीटियाँ लग चुकी हैं उसमें, तो इतने में फटाफट करती हूँ मसाला तैयार। मसाले के साथ में प्याज, और प्याज मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं। काट रहे सिर्फ अभी हरी मिर्ची, प्याज हमारा कट गया है, लहसुन अदरक कूटना बाकी रह गया है। तो मैं मिर्ची काटने के बाद उसको भी कूटती हूँ, और फिर हम फटाफट तड़का लगाना शुरू करेंगे। मसाला हम कैसे बनाएंगे मैं आज आपको बताऊँगी। अदरक कट रहा है, पतला पतला मैं काट के डाल रही हूँ इसमें ताकि कूटने में आसानी हो। तो ये डाल दिया है मैंने अदरक, और अब हम इसको क्या करने वाले हैं, कूटने वाले हैं। ये देखो हमारा राजमा बॉईल हो गया है आपके सामने है, ये देखो। और अब ये हम क्या करने जा रहे हैं, मसाला जा रहे हैं तैयार करने के लिए। तो हमने छोटी कढ़ाई रख दी है, और उसके नीचे लगा दिया है मैंने गैस। तो अभी हम डालने वाले हैं तेल, और फिर हम शुरू करेंगे बनाना। दिया है हमने तेल, और अब हम करने वाले हैं बनाना शुरू। घी, और फिर डालेंगे हम जीरा। अभी हमारा तेल गर्म नहीं हुआ है, उसको दिया है हमने हींग, और अब हमने थोड़ा सा डाल दिया है जीरा। ये डाल दिया हमने इसमें तेज पत्ता, और अब हम डालने वाले हैं इसमें प्याज। ये डाल दिया हमने प्याज, भुनाई करेंगे। प्याज हो चुका है ब्राउन, अब हम डाल रहे हैं इसमें टमाटर और हरी मिर्ची। दोनों की भुनाई अच्छे से करेंगे अभी, फिर उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। किया है तो हमने डाल दिया है इसमें धनिया, तो धनिया में हम कोई कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि धनिया पाउडर अच्छे से डालना है सब्जी में आपने। और ये डाल दिया है मैंने लाल मिर्ची, थोड़ा सा डाल दिया है हमने इसमें हल्दी, और हल्का सा डाला है मैंने बिल्कुल गर्म मसाला आपके सामने। ये डाल दिया है बस मैंने, दिया है मैंने इसमें पानी, और ये कर दिया है मैंने मिक्स, देखो। और अब मैं एक साथ मिक्स करेंगे सब्जी को, तो आप भी देखिए। मसाला भून के तैयार हो गया है, और साइड साइड में आप देख रहे होंगे ना कि तेल छोड़ रहा है ना, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब आपका तेल धीरे धीरे साइड में आने लगे, तो आप सोचो मसाला भुन गया है, और अब हम सब्जी को इसको मिक्स करने वाले हैं एक साथ। ये देखो हमारा राजमा बन चुका है, और अब हम इसमें डालने वाले हैं धनिया पत्ती। तो ये मैंने डाल दिए हैं आपके सामने, और अब ये हो चुका है पक्के तैयार। तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो जैसा हमने बनाया है तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से बनाया, आपको समझ में भी अच्छा आया, मुझे रेसिपी बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो बहुत आसान तरीका है, तो आप भी बनाए राजमा घर में, सबको बना के खिलाएं। और जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर दें। तो और सब्सक्राइब का बटन आप लोग शायद भूल जाते हो, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको याद दिलाते रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा हमेशा कहती हूँ, अपना भी ध्यान रखो और घर वालों का भी ध्यान रखें, और हमारा लजीज लजीज खाना देखते जाएं।